दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था तब कई हजारों की संख्या में इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन में अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और उनको बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर यूक्रेन से भारत आना पड़ा था और फिर भारत सरकार ने भी इन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट देने से इनकार कर दिया था। दरअसल दोस्तों भारत में सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए नीट का एग्जाम निकालना पड़ता है और सरकार का कहना है कि ये वही स्टूडेंट है जिनके नीट में कम मार्क्स आने के कारण ये विदेश चले गए थे और यदि हम इन्हें सीट देते हैं तो जो और अन्य भारतीय जिनके नीट में कम मार्क्स आए थे उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। और दोस्तों अब उन छात्रों के लिए रूस के एनवा ने एक बहुत अच्छी न्यूज दी है कि जिस भी छात्र को रशिया यूक्रेन वॉर के कारण बीच में यूक्रेन से अपनी पढ़ाई छोड़ना पड़ा था तो अब वे अपनी पढ़ाई रूस से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा कि रूस और यूक्रेन का सिलेबस भी सेम है और भाषा भी लगभग सेम है। वैसे दोस्तों इसमें भी रूस का ही फायदा है क्योंकि जब हमारे स्टूडेंट रूस में पढ़ने जाएंगे तो उनकी ही भरकर कमाई होगी और उनके कॉलेज का नाम भी दुनिया भर में बढ़ेगा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए, हाथ थोड़ा सा मार दीजिए।